तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हम अपने पहले फार्म विजिट किया विस्तारा प्राइवेट लिमिटेड का, अब हमने उनके फील्ड देखे कि कैसे कैसे वो बकरियों की डाइट को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन आज का जो ये जो वाली वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि इसमें सारा पूरे गॉड फार्म का क्या जो चीज़ें आपने वीडियो में देखी तो सभी का इसमें निचोड़ है। ये हमने वीडियो आज का जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे हम पहुँचे हैं विस्तारा प्राइवेट लिमिटेड गॉड फार्म के ऑफिस में, जो इनका हेड ऑफिस है, जहाँ पे क्या है कि जैसे कि वो बताया था कि ये गॉड मिल्क के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट बनाकर उसको आगे सेल कर रहे हैं। तो सेल कैसे करते हैं, क्या क्या ये प्रोडक्ट है इनके, और कितने मार्केट प्राइस पे सेल हो रहे हैं, और डेली की कंजप्शन कितनी हो रही है, कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं गॉड मिल्क को, जो जो प्रोडक्ट ये तैयार कर रहे हैं, और कितना इसमें प्रॉफिट है, कितना इनका खर्च आ रहा है, ये सारा प्रॉपरली हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए जो मेरे पीछे देख रहे हो बस्ता ब्रांड है, लोगो का नेम लोगो देख सकते हो आप, और जो इनके प्रोडक्ट्स की फोटो अपने शो करेंगे, बस्ता गॉड योगर्ट्स है, गॉड मिल्क है, उसके बाद चीज है, फैटा है, ये सारे प्रोडक्ट आप जो देख रहे हो इसको आपको लाइव भी आपको दिखाएंगे सारे प्रोडक्ट जो हम। तो ये बैठे हैं हमारे साथ हैं कृष्णा जी, जो कि मेन विस्तारा के ओनर है, तो इनसे हम बात करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी ने कुछ सीखना हो तो बंदा कहीं से भी सीख सकता है, लेकिन हम भी इनसे सीखते हैं, आज भी हम सीख रहे हैं, और हमें जहाँ पे दो तीन दिन स्पेंड किए इनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, लेकिन हमारी सोच ये होती है कि आप भी जो हमारे चैनल को देख रहे हो तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिले, ताकि हो सकता है पता नहीं कौन से पर्सन को कौन सा आइडिया मिल जाए और कोई बंदा उस आइडिया को फॉलो करके आगे चल पड़े अपने रास्ते के ऊपर। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एक भी पार्ट वीडियो में स्किप करने वाला नहीं है, पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखो। आप जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो आगे से आगे फार्मर का शेयर करते रहना, क्योंकि बिल्कुल ही गॉड फार्मिंग के अंदर मैं कहता हूँ कि पूरे इंडिया में देखे तो प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी नहीं काम कर रहा, बिल्कुल नया कंसेप्ट है जो आपके लिए, गॉड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और कैसे करना है ये काम ये आपको इसे बताएंगे इस वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने रिप्लाई जरूर करना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए ये आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो कृष्णा जी आपका फिर से वेलकम है सर कमर्शियल गॉड फार्म पे। तो आपको मैं बता दूं कि एक बार हमें बहुत खुशी हो रही थी आपकी देख के, बिल्कुल नया कंसेप्ट में आप काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगा हमें देख के। तो कृष्णा जी आप हमें बताएं कि जहाँ पे जो आपका ऑफिस है, जहाँ पे हम खड़े हैं, तो आप इनका पूरा क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे होता है, क्या क्या काम आप ऑफिस में अपने टीम से करवाते हो या खुद करते हो साथ उनके, और क्या क्या काम जहाँ पे पूरे ऑफिस का मैं टूर जरूर करवाएं, एक बार आपके प्रोडक्शन हाउस वगैरह जो सारा दिखाएं। राइट, हम लोग बैंगलोर में अभी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस में विस्तारा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, मेरा दोस्त चेतन कुमार ये बैंगलोर को लीड कर रहा है, बैंगलोर में जो भी वक्त वर्क हो रहा है इन्हें सीने से हो रहा है अभी। सो ऑफिस में क्या होता है, पहला चीज़ है ऑफिस डेटा मेंटेनेंस का काम, और अकाउंट्स का काम, फाइनेंस का काम, मार्केटिंग काम, डिजिटल मार्केटिंग, रिटेल प्लानिंग, और सारे जिस ऑफिशियल पेपर और कंट्रोल यहाँ पे होता है। पीछे हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, ये प्रोडक्शन यूनिट रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ओके, ऐसे किसी की भी एंट्री नहीं है, ये यहाँ पे किसी भी की एंट्री नहीं होता, इसलिए फ्रंट का डोर लॉक रहता है हमेशा, जो भी आना है बंदा यहाँ से आना है। तो सिर्फ प्रोडक्शन करने वाले एम्प्लॉइज वहाँ पे रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा वहाँ पे। तो जहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा प्रोटेक्शन जहाँ पे की जाती है, तो क्योंकि ये एक ह्यूमन के खाने वाली चीज़ें हैं, और जितना हम इसमें सफाई का ध्यान रखेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा, उतना ही हमारा प्रोडक्ट लोगों के साथ ज़्यादा फेमस होता है। तो यहाँ का रूल्स है। तो ये जैसे मेरे सिर पे कैप लगा हुआ है, ये कैप लगाने का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो क्वालिटी वाइज जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं तो उसके साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये विस्तारा लिमिटेड फार्म की एक इसको क्वालिटी कह सकते हैं, खासियत बोल सकते हैं। तो जैसे क्या है कि सिर पे कैप होने की हेयर वगैरह जो भी है कोई दूध में ना चला जाए या कोई प्रोडक्ट में ना चला जाए, तो उससे क्या है कि बहुत बड़े इश्यूज बाद में क्रिएट हो जाते हैं, तो यही इसका यही मतलब था। तो सर आपको बताइए अपने प्रोडक्शन हाउस के बारे में। ये हमारा छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है, जो भी फार्म में प्रोडक्शन होता है यहाँ पे दूध आके यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ये हमारा प्रोडक्शन एरिया है। अगर देखें तो ऐसा वेरी लो बजट में ऐसा किया है हम लोगों ने, हैंडमेड चीज़ें हो रहा है,
सारा हैंडमेड हैंडमेड चीजें हो रहा है। तो देख सकते हैं आप ये मिल्क जो पड़ा है जो बकरी गोट्स का, तो कैसे इसको कवर किया हुआ अच्छे तरीके से इन्होंने। और ये हमारा कोल्ड चेन रूम है, हमारा सारा प्रोडक्ट अंदर आएगा। तो देख सकते हैं ये सारा पूरे का पूरा कोल्ड चेन रूम जो बता रहे हैं कि जिसमें पूरा प्रोडक्ट को मेंटेन करके रखा जाता है पूरे कोल्ड चेन में। तो क्या इसको या नहीं जोड़न हुआ है। ये हमारा वैक्यूम पैकिंग मशीन है। वो हमारा हेड बोर्ड बिल्डिंग मशीन है और एक सेपरेट सा ज़्यादा से कल्चर वगैरह कुछ होगा, जो भी एक्सपायरी आया है तो बाहर ही रखेंगे, अंदर नहीं लेके जाएंगे। ओके, तो सब कुछ छोटे छोटे लेवल पे ही, एक सिस्टमैटिक लेवल पे और हाइजीन लेवल पे सब कुछ मेंटेन हो रहा है। ओके, तो कुछ मशीनों के बारे में बताएं जो मशीनें आपको भी यूज़ में आती हैं, आप काम लेते हो उनसे। तो ये वैक्यूम पैकिंग मशीन है, सुल्तान वैक्यूम पैकिंग मशीन है। ओके, और एक साथ 10 पैकेट का चीज़ वैक्यूम कर लेता है। ओके, चीज़ पैकिंग करता है वैक्यूम करके। ओके, और ये वाला एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग डोर प्रिंटिंग मशीन है। अच्छा, क्या क्या चीज़ प्रिंट करता है जिसमें? डेट। अच्छा, तो उस तरीके का देखिए इसमें मशीन में प्रिंटिंग की जाती है। जो बैच नंबर आप देख सकते हो, जो सारा इस मशीन का प्रोसेस होता है और ये लेबल बाद में प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए जाते हैं। और हम लोग एक कोऑपरेटिव ब्रांच जैसे कर रहे हैं ना हम लोग, उससे यहाँ पे और मशीनरी ऑटोमेशन करने का ज़रूरत है। वो फ्यूचर में करने का प्लान है, जब हमारा दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि एक फार्मर होने के नाम पे कि देखो ये बिल्कुल इन्होंने ऐसा नहीं है कि सारा सेटअप था बिल्कुल जीरो से उठे हैं ये बंदे, क्योंकि पहले आपको बताया था कि जॉब लाइन थी इनका, आईटी सेक्टर में जॉब था। तो बिजनेस जॉब को छोड़ के बिजनेस में इन्वॉल्व होना, तो आपको इन्होंने बताया कि 11 साल से ये वर्क कर रहे हैं गोट फार्मिंग के ऊपर। तो जहाँ तक पहुँचना, मैं कहता हूँ कि हर एक फार्मर के लिए, एक गॉड फार्मर के लिए जो बहुत ही बड़ी एग्जांपल है कि जिसको देख के आप भी ऐसा काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आज ही बना था, आज से इस पर जो इसके अंदर प्लानिंग चल रही थी वो 10-11 साल से चल रही थी। क्योंकि जो बिल्कुल छोटे लेवल का प्रोडक्शन हाउस आपको दिखाया हमने, तो धीरे धीरे हम आशा करते हैं कृष्णा जी कि बहुत बड़ा होगा आपका। हम भगवान से हमारी यही दुआ है कि बहुत बहुत अच्छा होगा आपका। अच्छा, क्योंकि बड़ा हम इससे इम्प्रेस हुए हम भी, क्योंकि हमारा जो फार्म है हम वीडियो पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बिल्कुल ये नया कंसेप्ट था। तो अब आपको दिखाते हैं हम इनके प्रोडक्ट्स जो दूध से ये तैयार करते हैं, तो कैसे इनको ये बेचते हैं, कैसे सेल करते हैं, वो सारा आपको आगे हम बताते हैं। तो देखिए, सारा ऑफिस आपको विजिट करवाया हमने, बताया कृष्णा जी ने कि क्या क्या काम जहाँ पे होते हैं। और अब हम बात करते हैं कि गोट मिल्क से कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो तैयार कर रहे हैं। देख सकते हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे है, तो कृष्णा जी एक एक करके सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिल्क से बना रहे हैं आप प्रोडक्ट्स को। तो एक एक करके बताएं इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं सारे। ये हम लोग बेसिकली बॉटल मिल्क, योगर्ट एंड डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीजेस बनाते हैं। अब एक नेचुरल गोट मिल्क है, एक लीटर में 500 ml में और 200 ml में है। ओके, और शेवरे चीज़ है, गोट चीज़ है, बेसिकली फ्रांस का रेसिपी है ये। फ्रांस का, हाँ, फ्रेंच में बेसिकली आया था शेवरे चीज़। ओके, वो उसका हम लोग फ्लेयर में भी बेचते हैं, प्लेन में भी बेचते हैं। एक प्लेन है और एक गार्लिक एंड हर्ब्स का फ्लेयर है और पेपर का फ्लेयर है। और फेटा चीज़ है, एक वेराइटी का चीज़ है, गोट मिल्क से बनाते हैं। एंड योगर्ट है, योगर्ट में 5 फ्लेवर है, हम लोग देसी काइंड ऑफ स्टफ यूज़ कर रहे हैं, लाइक फ्लेवर में टेंडर कोकोनट, चिकू, हनी बनाना, कस्टर्ड एप्पल, वैसे यूज़ कर रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट में हम लोग एक भी प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल थिकनिंग एजेंट, स्टेबलाइजर्स कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं। ओनली यहाँ पे गोट मिल्क है वजह से हो रहा है सर। ओके, और इसको हम बोल सकते हैं कि 100% जेन्युइन, 100% नेचुरल जेन्युइन एंड ऑर्गेनिक
फ्लेवर और ऑर्गेनिक स्विंग ऑर्गेनिक आप फ्रूट यूज कर रहे हैं, सब कुछ फ्रूट भी रियल फ्रूट यूज कर रहे हैं, फ्लेवर कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। अच्छा फ्लेवर नहीं है, जैसे कि हमने देखो मैं आपको एक सिंपल बता दूं कि जो इनका फ्रेश मिल्क है, ठीक है, जो आप ये देख रहे हो जो 1 लीटर पैकिंग में 500 ml में और 250 ml में जी इनका ये मिल्क है जो वैसे पीने लायक है, सो वैसे भी हम इसको पी सकते हैं, फ्लेवर नहीं कह सकते हम इसको। और ये योगर्ट्स है, योगर्ट्स मीन्स कि ये बहुत ही अच्छा होता है खाने में, बड़ा टेस्टी होता है, ये गॉट अपने मिल्क से तैयार होता है तो इसमें फ्लेवर्ड है, ठीक है, जैसे कि ग्रीक योगर्ट्स है जी। और उसके बारे में सेकेंड आपको बता दूँ मैं, ये है चीकू, चीकू इसको चीकू चीकू फ्लेवर में है, चीकू, ठीक है, ये चीकू फ्लेवर में है। और ये इसको कस्टर्ड, ये है कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल में है जी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया हनी बनाना, हनी बनाना, ठीक है, इस फ्लेवर में आ गया जी। और नेक्स्ट आ गया अपना प्लेन, फ्रेश नेचुरल, बिल्कुल प्लेन है जी, ठीक है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं यूज़ किया गया। तो जी आप जैसे इनके सारे प्रोडक्ट जॉगर्ट्स हैं, तो कृष्णा जी आप ये बताइए ये आपके जॉगर्ट्स हैं, ये मिल्क आ गया, और एक बात और कि ये इनका चीज़ है जो फ्लेवर में आता है, हाँ, जैसे इनका बस्ता चीज़ है क्रैक्ड पेपर, फ्लेवर है इसमें, फ्लेवर से तैयार किया गया चीज़ जी, गॉड चीज़, ठीक है। उसके बाद आ गया इसमें भी काफ़ी तरह के फ्लेवर पाए जाते हैं, जैसे कि गार्लिक आ गया जी, ठीक है, गार्लिक फ्लेवर आ गया इसमें। और उसके बाद ये आ गया आपके पास फ्रेश नेचुरल, बिल्कुल ये जैसे आम चीज़ हम खाते हैं तो उसी तरह का है, बिल्कुल प्लेन चीज़ है। तो उसके बाद आ गया जी फैटा, फैटा चीज़ है ये कि चीज़ की नई वैरायटी है फैटा। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जो गोट मिल्क के से तैयार कर रहे हैं, दूध के बारे में बता दिया, और वो भी जॉगर्ट्स ही है, वो आधा के जी पैकिंग में है जी, आप देख सकते हो बड़ी पैकिंग में ये बनाए हैं जॉगर्ट्स, ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन नेचुरल। तो कृष्णा जी अब देखिए प्रोडक्ट्स की बात हम करते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने हमें इनका टेस्ट भी चेक किया तो काफ़ी अच्छे लगे हमें खाने में, ऐसी बात नहीं है, बहुत बहुत टेस्टी थे। तो ये आप इनको सेल कहाँ पे कर रहे हो, सेल करने का कैसे, आपके कितनी क्वांटिटी में ये डेली के आपके सेल हो रहे हैं, कितनी डिमांड इनकी लोगों के साथ अब है, क्योंकि देखो मैं इनको इमेजिन जैसे मैंने टेस्ट किया, हमने हम किसी को बोल सकते हैं कि उसने एक बार खा लिया बार बार तो खाएगा, क्योंकि गोट मिल्क आपको पता है नेचुरली ऑर्गेनिक है, तो आप इसके बाद थोड़ा डिटेल में बताएं। ये हम लोग बैंगलोर में सेल कर रहे हैं, बैंगलोर में बहुत सारा रिटेल सेक्टर है, लाइक लॉयल वर्ल्ड, नामदारी, फूड ऑल, मैनी रिटेल में हम लोग ये प्लेस किया प्रोडक्ट्स। और बी टू बी में भी हमारा होटल्स एंड रेस्टोरेंट, कॉन्टिनेंटल होटल्स है बैंगलोर में, वहाँ पे भी हमारा चीज़ बेचते हैं हम लोग, वहाँ पे हमारे चीज़ के लेकर कॉन्टिनेंटल डिशेस होता है वहाँ पे, हम होटल और रेस्टोरेंट में भी बेचते हैं और रिटेल में भी बेचते हैं। और इम्पोर्टेंटली हम लोग घर घर जाके मिल्क को और हमारा प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट डोर डिलीवरी भी देते हैं हम लोग, तीन तरह का सेल करते हैं हम लोग, बहुत अच्छी बात है। तो देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ कि होटल्स में भी आपके प्रोडक्ट्स से जा रहे सारे जा रहे हैं, तो डेली की आपकी कितनी कंजप्शन है, कितने ये प्रोडक्ट डेली के आपके सेल हो रहे हैं, मिल्क को लगे योगर्ट्स को लगे? अभी सेल करना हमारा मार्केटिंग टैक्टिक्स में बैठा है, अभी हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 150 लीटर डेली प्रोडक्शन हो रहे हैं, मैं ये चीज़ आपको फार्म में बताया, सब कुछ हम लोग सेल कर रहे हैं, कोई बचावट नहीं हो रहा है, स्टॉक में कुछ नहीं है, जो भी प्रोडक्शन है वो डेली का पूरा डेली डेली खत्म हो रहा है, पूरा खत्म हो रहा है। जैसे कि आपको बताया कि 150 लीटर के 100 लीटर के प्रोडक्शन होते हैं, तो सारे का सारा इनका एक दिन में वो पूरे का पूरा प्रोडक्ट सारे तैयार के पूरे मार्केट में चले जाते हैं डेली की इनकी। तो कृष्णा जी देखो हम बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं ना, सारी बातें बता दी, लेकिन अब एंड कंक्लूशन क्या निकलता है एंड पे कि इनकम, देखो हर एक को बता कि वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन एंड पे हमें इनकम भी बताओ कि कितनी इनकम आप इनमें से अर्न कर रहे हो, कि बाकी प्रोडक्ट्स में जाने का हमें फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे सवाल होंगे, तो उसके बारे में थोड़ी सी आप अपने इनकम के बारे में बताएं कि प्रोडक्ट्स को सेल करके आप ओनली आपका जैसे फार्म है स्टॉल फीडिंग के ऊपर है, उसके फीड का खर्च भी आता है, उसके बाद आप बकरियों को दूध की ज़्यादा यील्ड देने के लिए उनको ज़्यादा हाई अच्छी प्रोटीन वाली खुराक भी देते हो आप उनको, ठीक है, तो इनकम की बात करें तो क्या इनकम आपको इनमें क्या प्रॉफिट निकल के आ रहा है? ये बात करें तो हमारा रेवेन्यू मंथली 10 से 12 लाख रुपए का रेवेन्यू मंथली, ये आ रहा है लाइफ स्टॉक से नहीं आ रहा है, ये सिर्फ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से आ रहा है। आप
एक सभी लोग जानते हैं लाइव स्टॉक का एक अलग रेवेन्यू होता है, बच्चा भी पैदा होता है, फीड होता है, वो नहीं बता रहा हूँ मैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का 10 to 12 lakh रुपीज का मंथली रेवेन्यू है। तो देख सकते हैं 10 lakh रुपये पर मंथली। आप इन्होंने हमें बताया कि ये कॉली प्रोडक्ट्स के दूध निकाल के प्रोडक्ट को सेल करके ये अर्न कर रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि देखिए, इन्होंने बताया कि मैंने आपको कोई बकरियों का नहीं बताया कि जैसे आप देखो कि बकरियां हैं बीटल नस्ल की, तो बकरी जब प्रेग्नेंट होगी और ब्याएगी वो दो बच्चे भी देती है साथ में, और उनके जो बच्चों को ये सेल करते हैं उनका प्रॉफिट साइड पे है, वो अलग है मैटर है, ठीक है। और जो बच्चे हैं अभी हम फार्म पे देखें इनके, कम से कम 100-150 के करीब तो आपके बच्चा होगा, किड्स होगी सारी, तो उनको सेल करेंगे आगे आने वाले समय में, तो उनका प्रॉफिट अलग से निकला। प्रोडक्ट लाइन में जाने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को अगर आप प्रोडक्ट बेस पे आओगे तो उसका रेट आपको डबल मिलने लग जाता है। तो थोड़ा आप इसके प्राइस के बारे में डिस्क्राइब कर दो कस्टमर को, जो अपने व्यूवर्स को, कि जो देख रहे हैं कि क्या क्या रेट पे आपके इस प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। ये योगर्ट पे लेता हूँ, सारा योगर्ट एक ही रेट पे बिकता है, 125 ग्राम का पैकेट है, 50 रुपीस का MRP है। ओके, 56 रुपीस का MRP है। ये 220 to 230 रुपीस में जाएगा, प्लेन है फ्लेवर 230 रुपीस में जाएगा। और ये आपका जो फैटा है 320 रुपए का एक आएगा। अच्छा, ओके, 320 रुपए का ये पैकेट MRP है, और ये 300 रुपए का MRP है पर पैकिंग 300 रुपए का MRP इस पे है। और ये 1 लीटर की बात करें मिल्क की, हमारा 300 रुपए का ये भी MRP है। अच्छा, 300 रुपए पर लीटर 150 है ये 65 रुपीज़। अगर तो देख सकते हैं, एक नॉर्मली हम दूध की बात मान के चलते हैं कि देखो, कहने का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, जो खरीदने वाले हैं वो खरीद लेते हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट में, आपकी क्वालिटी में दम होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। कितना कितना आपके प्रोडक्ट में दम है वो चीज़ मैटर करती है। खरीदने वालों की इस मार्केट में, इस बाजार, इसमें कोई कमी नहीं है, तो लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं क्वालिटी चाहिए। जहाँ पर उनको क्वालिटी लेती है तो वहाँ पर पैसा मैटर नहीं करता। तो आपको तो पता, बैंगलोर सिटी में आप रह रहे हो ना, IT का सेक्टर का बूम है जहाँ पे, तो आप जहाँ पे सेल कर रहे हो तो अच्छा मार्केट आपका बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये है। बढ़ रहा है, मगर गोट मिल्क का बात करो तो हमारा MRP फॉरेन हमारा कंपटीशन इंडियन प्रोडक्शन नहीं है, फॉरेन प्रोडक्ट से हमारा कंपटीशन है। ओके, फॉरेन प्रोडक्ट्स का कंपटीशन कॉम्पिटिटिव रेट बताए तो हम लोग और भी कम है हमारा। ओके, अच्छा, फॉरेन में अगर ये प्रोडक्ट हम बाय करेंगे तो उनका रेट से ज़्यादा है, तो आपका प्राइस इन फॉरेन के कंपैरिजन कम है। तो देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि ये इनका प्रोडक्ट के, जो इन्होंने सबसे मेन बात बताई कि कंपटीशन जो इनका है इंडियन प्रोडक्ट से नहीं है, इनका कंपटीशन फॉरेन प्रोडक्ट से है, तो उन्हीं के बेस पे ये चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, नॉर्मल एक दूध है सर, गॉट मिल्क लगा लो, गॉट मिल्क अगर हम नॉर्मल जो फार्मर बकरी पालन का काम कर रहे हैं, दूध निकालते हैं और दूध को क्या डायरेक्ट डेयरी में डालते हैं, वहाँ पर दूध क्या रेट डलता है, 40 रुपये, 45 रुपये एंड 50 रुपये। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लीटर की पैकिंग का प्राइस है 300 रुपये पर केजी, ठीक है, गोट मिल्क इनका सेल हो रहा है जहाँ पे। तो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट में आपको डबल मुनाफा हमें होता है, लेकिन थोड़ा इसमें समय लगता है, थोड़ी हम मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन अगर ग्रुप में एक यूनिटी में बना के काम किया जाए तो जैन काम बहुत ही आपके लिए अच्छा लाभदायक साबित होगा। तो कृष्णा जी, अब हमें एक बात और बताएं, पूरी वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सारा आपने बताया कि कोई भी फार्मर, ठीक है, अगर आपके साथ ये बेंगलोर का है या आसपास का है, कोई ऐसे प्रोडक्ट लाइन में जहाँ कोई आपका प्रोडक्ट लेके आपसे सेल करना चाहता है आगे, तो आपके ऐसी भी कोई आप उनको ऑफर दे रहे हो इस तरीके की कि आप सिर्फ बैंगलोर में डिस्ट्रीब्यूटर का कोई जरूरत नहीं है? Okay. क्योंकि हम लोग सारा कर चुके हैं। Okay. मगर नेक्स्ट लेवल पे हम लोग मुंबई और अदर सिटीज ऑफ इंडिया भी देख रहे हैं, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, NCR एंड ऑल। तो अगर किसी भी फार्मर को किसी भी तरीके की हेल्प की कोई जरूरत है बैंगलोर साइड से जो फार्मर है, तो जिस स्क्रीन पे इनके नंबर आ रहे हैं इन पे आप कॉन्टैक्ट करके इनसे आप बात कर सकते हो। बाकी इनकी लोकेशन भी फिर पड़ी है, बाकी इनका जो यूट्यूब चैनल है खुद का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ ये आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो एंड पे
आप फार्मरों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, एक बार इसके बारे में थोड़ा बता दें कि आपके क्या व्यूज हैं फार्मर को, जो बकरी पालन का काम लोग कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज है आपका? सो मैं फार्मर्स को और आज के यूथ को, दोनों को कुछ कहना चाहता हूँ। ये गोट फार्मिंग का काम बहुत सुपर प्रॉफिट का काम है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम है, आत्मनिर्भर का काम है। ये हम लोग किसी नौकरी में लगे रखने के बजाय हमारे गांव में वापस आकर ये काम कर शुरू किया, तो इसमें मुनाफा जो भी आईटी कंपनी इंजीनियर बना के जो भी देखें उससे ज़्यादा मुनाफा इसमें है। तो देखिए यही थी आज की वीडियो, हमने पूरा आपको बताने की कोशिश की है। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो आपको बाकी पसंद आए, कुछ ना कुछ वीडियो को सीखने को मिला तो चैनल को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अपने सुझाव जरूर दें, और जो आगे से आगे वीडियो को फार्मरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर एक फार्मर तक ये वीडियो पहुँच सके। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो।